प्रदेश में कई स्थानों पर पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद सर्दी का असर बढ़ गया है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तापमान में कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अब खत्म हो चुका है, जिससे आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के कई स्थानों पर तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी जयपुर में आज अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके कारण दिन में भी लोगों को तीखी सर्दी का एहसास हुआ। वहीं न्यूनतम तापमान भी 16.1 रहा। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद एक बार फिर से उत्तरी हवाओं का प्रकोप राज्य में रहेगा और इसी सिस्टम के प्रभाव से दिन के अधिकतम तापमान और रात्रि न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। अर्थात अगले 2-3 दिनों में मिनिमम टेम्परेचर में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना बनी हुई है। सबसे ज़्यादा यदि देखें तो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे तापमान में सबसे ज़्यादा कमी रहेगी, वहाँ करीब करीब 10-11 डिग्री के आसपास दर्ज हो सकता है। वहीं पूर्वी राजस्थान में जयपुर और आसपास में यदि देखें तो 12 से 13 डिग्री टेम्परेचर अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान रिपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा साउथ राजस्थान के जो ज़िले हैं उदयपुर और जोधपुर संभाग, वहाँ पे तापमान जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यानी 14-15 डिग्री के आसपास अगले 2-3 दिनों में रिपोर्ट होने की संभावना है।